everyone, welcome back to another episode of Cool Bars Cafe Clash. खाने की खोज में मैं आई हूँ आज मेघदूत चौपाटी में और यहाँ पर तो इतनी सारी शॉप्स है कि मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक राउंड लगाया तो मेरी नज़र एक स्टॉल के ऊपर अटकी हुई है जो कि है चूर चूर नान. मैंने सुना है ये बहुत अच्छा होता है एंड मस्ट हैव है इस चौपाटी का. So I am gonna try it. मेरा फोकस ये रहेगा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मेघदूत चौपाटी के जिसमें ये बताया होगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या खाना होता है. बट मेरा फोकस बस इस बात पे रहेगा कि यहाँ पर किस तरह का हाइजीन मेंटेन करके काम किया जाता है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं जो खाना देते हैं उसका टेक्स्चर कैसा होता है. एंड प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4K वीडियोज़ ही दिखाऊँ क्योंकि यू नो दैट्स द थिंग विच इज़ नीडेड दिस टाइम. तो भाई चलिए चलते हैं हम चूर चूर नान खाने के लिए. हमारी चूर चूर नान थाली आ चुकी है और इसमें मुझे मिली है चूर चूर नान, छोले की सब्जी, बटर पनीर मसाला, रायता, प्याज और हरी चटनी. मुझे इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी लग रही है और मैंने बनते हुए देखा तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस था. मतलब जिस तरह से उन्होंने उसे क्रश किया, जिस तरह से उन्होंने उसको अंदर डाला, फिर उन्होंने इतना सारा घी बटर लगाया. So let's have it now. Mm-hmm.
मैंने तो चूरचूर नान थाली खा ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने फर्स्ट टाइम खाई एंड जो फ्लेवर्स घुल रहे थे मुंह के अंदर, वाह बहुत बढ़िया। दो दो सब्जियों के साथ भी उन्होंने मुझे छोले की सब्जी और बटर पनीर मसाला, बहुत बढ़िया था। एंड मोर ओवर जो नान थी उसका जो क्रंचीनेस और आलू से सॉफ्टनेस दोनों था, बहुत बढ़िया लग रहा था। ऊपर से जो तिल का और मूंगफली दानों का स्वाद आ रहा था, बहुत कमाल का था। ये पूरी थाली जो है वो हमें मिलती है एट 120 रुपीज़ मेघदूत चौपाटी में, मेघदूत गार्डन इंदौर के जो सामने है ये चौपाटी। एंड यहाँ पे बहुत 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 सारी शॉप्स है, बट मेरी नज़र तो सिर्फ यहीं पर अटकी चूर चूर नान पे, क्योंकि मैंने सुना था इसके बारे में कि ये बहुत अच्छा होता है, बट आई हैव नेवर ट्राइड इट, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो कहाँ का बनाऊँ।